हेलो गाइस, तो ये आपको दिख रही है बुक है, कौन सी क्लास है, चौथी पांचवी कार्य पुस्तिका है। इसको क्या करना है, इस कार्य पुस्तिका के अंदर कुछ एक्सरसाइज दी होती है, उनको भरना होता है, ठीक है। और इस बहुत से स्टूडेंट को मतलब प्रॉब्लम आती है इसको भरने के लिए। बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको अगर भरते हो सही ईमानदारी से, इसको अगर आप भरते हो तो इसके अंदर जो चीज़ें दे रखी है वो बहुत ही काम की चीज़ें, आपकी लाइफ से सारी चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप इसको फुल हम भरेंगे और मैं बताऊंगा आप कैसे इसको भरना है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट हम देखते हैं यहाँ से। अब देख, पहली एक्सरसाइज अपन यहाँ देखते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए खाली खानों में उनके नाम लिखिए। ये है सड़क पर चलने, अब ये कौन है, ये हवाई जहाज है, कार है, ये हो गया, ये कार हो गया, बस हो गई, ये हेलीकॉप्टर हो गया, ये नाव हो गया, और ये तांगा है, और ये जीप है, और ये जहाज है, ठीक है। अब सड़क पर कौन कौन चलता है, जैसे आप सड़क पर जिसके टायर होंगे वो सब सड़क पर चलेंगे, सीधी बात है, ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हो। तो बस सड़क पर चलती है, आपने सब देखी है, जीप देखी है सड़क पर चलती, कार, बस, जीप और कार, तीन चीज़ें सड़क पे चलती है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ बस सड़क, ये भरूँ, ठीक है, भर भरता हूँ मैं। सबसे पहले क्या, बस, ठीक है। उसके बाद में आपकी कार है, वो चलती है सड़क पर चलती है, फिर जिप भी, आपने जिप देखी होगी, जिप भी सड़क पे चलती है, सबको पता है, जल में चलने वाली। अच्छा, जल में चलने वाली आप पाम जलीय सतह नहीं हो तो इसको छोड़ देते हैं पहले, वायु में, हवा में। आपने हवाई जहाज तो हवाई जहाज उड़ते हुए देखा होगा, और हेलीकॉप्टर, ये दो चीज़ें आपने देखी जरूर है। तो नाम लिखो इसका, हवाई है, हवाई जहाज है, दूसरा हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये हो गया। अब जहाज, जहाज कहाँ चलती है, पानी में, ये देखो नीचे फोटो में दिख रहा, पानी में नाव और जहाज, ये नाव, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपकी एक्सरसाइज एक हो गई पूरी, ठीक है, दिख रहा है वीडियो एकदम सही आ रहा है।